हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर भी हम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज के अंदर जो 353 पोस्ट निकली है, ऐसा आपने देख लिया हो, जो वीडियो के फोटो में दिया हुआ था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था कि 353 पोस्ट है हरियाणा हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज की। तो जो लोग इस पोस्ट को देना चाहते हैं, जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं सभी के बारे में पूरी डिटेल से बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जो नोटिफिकेशन आया था 13 दिसंबर को आया था। इसके बारे में जो लास्ट डेट है वो 2/1/2019 है, 2 जनवरी 2019 तक इसकी। रात को 12 बजे तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप पहले ही भर लें, क्योंकि बाद में लिंक जो है बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है साइट पर, और क्रॉस ये क्रैश हो जाती साइट। चलिए फ्रेंड्स, ये जो ऑफिशियल साइट है www.hppsc.hp.gov.in/hppsc, तो इस पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बारे में कुछ और डिटेल्स हैं, जानकारी वो मैं आपको दे देता हूँ कि किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट है, वो पूरी आपको डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर भी मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, ये पोस्ट देख लीजिए, एक्साइज एंड टैक्सेशन। तो ये देख लीजिए, ये जो रेगुलर बेसिस पे है, ये 10 पोस्ट है एक्साइज एंड टैक्सेशन की। कॉर्पोरेशन की है 4 पोस्ट, और इलेक्शन कंगारू की है 6 पोस्ट। तो फ्रेंड्स, टोटल ये 20 पोस्ट हो रही हैं। इसके बारे में भी देख लीजिए, इसकी जो पे ग्रेड है ये आप देख सकते हैं, आप दी हुई है, दिख रही है आपको स्क्रीन पर। और इसके बाद जो क्वालिफिकेशन है वो आपको पता है, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, कोई भी एक, और 18 से 45 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जो है इसकी फ़ीस के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बता देता हूँ कि जो जनरल कैटेगरी है उनकी फ़ीस है 400 रुपये, और जो SC ST है, जनरल कैटेगरी SC ST OBC BPL, इनकी है 100 रुपीज़, और जो है 100 रुपीज़ है SC ST ऑफ हिमाचल प्रदेश, और जो अदर स्टेट के सभी लोग जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और उनकी फ़ीस है 400 रुपीज़। तो ये आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको डिटेल बता दिया है। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन में अभी दिखा देता हूँ आपको। ये नोटिफिकेशन है 22 दिसंबर 2018 का, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 11th of January 2019। ये सेम साइट है फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में देख लीजिए, क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें कितनी रिक्रूटमेंट है, पूरी आपको अच्छे से बता देता हूँ। प्रोग्रामर की पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है, ये एक ही पोस्ट है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप देख लीजिए। इसके जो MCA BTech या BTech होनी चाहिए, मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके 3 नोटिफिकेशन है, वो तीनों आपको मेरे टेलीग्राम के जो चैनल के अंदर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए और देख सकते हैं। मैं आपको पूरे और भी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स। इसका पे बैंड देख लीजिए, 34,800 तक है, और 5,000 रुपये इसको अलग से अलाउंसेस दिए जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। तो इसके अंदर फ्रेंड्स काफ़ी पोस्ट हैं, ये इसके अंदर 3 पोस्ट और दी हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, 353 पोस्ट फ्रेंड्स देख लीजिए। अभी 20 तो फर्स्ट नोटिफिकेशन के अंदर थी, इसके अंदर 158 समथिंग पोस्ट इस नोटिफिकेशन के अंदर है। पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन है, आप खुद इसको पढ़ लीजिए, मैंने पूरा बता दिया है। 9 पोस्ट इसके अंदर दी गई हैं अलग से। ये चलिए अभी मैं दूसरा बता, ये एक पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज मैकेनिकल, ये गेस्टेड ऑफिसर की है, क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट है ये। 61 पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की, ये भी गेस्टेड है, 61 पोस्ट है। 31 उसके अंदर जनरल की, और बाकी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। 25 पोस्ट है वेटरनरी ऑफिसर की, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसकी एक पोस्ट है फ्रेंड्स, और प्रोफेसर की भी एक पोस्ट है। तो अभी मैं आपको तीसरे नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ। इसकी भी जो फीस है फ्रेंड्स, 400 जनरल की फीस है, 100 रुपये SC ST ऑफ हिमाचल प्रदेश, और अदर स्टेट के जो सारे जनरल में अकाउंट किए जाएंगे। तीसरा नोटिफिकेशन देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है 8 दिसंबर को आया हुआ है, इसकी जो लास्ट डेट 28th of December दी हुई है, और आप सेम साइट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए इसके अंदर बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट है, और आप लोग इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कीजिए। इसके अंदर 208 पोस्ट दी गई हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसके अंदर 208 पोस्ट है जनरल की, 136 है, 31 फॉर SC ST, 25 और OBC 25। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो 45 साल से कम की एज होनी चाहिए, और सेम है फ्रेंड्स, एक ही अलग से दी हुई है, ये डॉक्टर की पोस्ट है, पब्लिक एनालिसिस कम केमिकल एग्जामिनर। तो ये गेस्टेड पोस्ट है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, 400 रुपये है जनरल के लिए, और 100 रुपये है SC एंड ST के लिए।
ये फैमिली एंड वेलफेयर की दो पोस्ट और अलग है फ्रेंड। तो ये 353 पोस्ट होगी फ्रेंड्स टोटल, और मैंने आपको लास्ट डेट बता दी है तीनों नोटिफिकेशन की। अगर आपको तीनों नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी इस पोस्ट कोई भी इस पोस्ट से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी तो फ्रेंड्स प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए और वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दीजिए, ताकि और भी कोई फॉर्म भरना चाहे तो भी भर सकता है, कहीं ये ना कि उसकी डेट निकल जाए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।